और 9 सेकंड न्यूज में आज कोर्ट के आने वाले उन फैसलों से जुड़ी खबर जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं। मनीष सिसोदिया को आज राउंड एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। पिछली सुनवाई में 30 मई तक बढ़ाई गई थी न्यायिक हिरासत। करीब 15 महीने से जेल में बंद हैं सिसोदिया। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद का मामला है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष बचे हुए मुकदमों में अपनी अतिरिक्त दलीलें करेगा पेश। रामपुर जेल में रिहा हुई आजम की पत्नी तंजीन फातिमा, अदालती परवानों में कमी होने की वजह से नहीं हो पाई थी रिहाई। करीब 8 महीने से जेल में थी आजम की पत्नी। और मौसम से जुड़ी खबरों का अपडेट जान लेते हैं 9 सेकंड में। असम के 8 जिले बाढ़ से प्रभावित। चक्रवात तूफान रेमल की वजह से कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। एक शख्स की मौत, 41,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। मणिपुर में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हुआ। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने के लिए पहुंची एनडीआरएफ की टीमें। चक्रवात रेमल की वजह से आई है बाढ़। दिल्ली एनसीआर में बुधवार शाम अचानक बदला मौसम। तेज आंधी के साथ बारिश हुई। पेड़ टूटकर गिरने से 2 युवकों की मौत। स्कूटी पर सवार थे युवक। पेड़ गिरते ही उसकी चपेट में आए स्कूटी सवार। केरल के तिरुवनंतपुरम में हुई मूसलाधार बारिश। भारी बारिश की वजह से शहर में जगह जगह पर जल भराव। लोगों को आवाजाही में दिक्कत। बिहार के बक्सर में फ्लैग मार्च के दौरान बिगड़ी जवान की तबीयत। डॉक्टर बोले हीट वेव की चपेट में आने से जवान की मौत हुई है। बिहार में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी। मध्य प्रदेश के भोपाल में भीषण गर्मी का कहर। दोपहर के समय सड़कों पर नजर आ रहा सन्नाटा। मौसम विभाग का बयान, 31 मई तक गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं। बिहार के शेखपुरा में भीषण गर्मी का सितम। गर्मी की वजह से कई स्कूली छात्राएं बेहोश हुई। डॉक्टर्स के मुताबिक सभी खतरे से बाहर। महोबा में हीट वेव की चपेट में आया मालगाड़ी का लोको पायलट। 3 घंटे तक महोबा रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही मालगाड़ी। इंजन में 54 डिग्री तापमान सहन नहीं कर पाया लोको पायलट। गर्मी बढ़ते ही मध्य प्रदेश के मुरैना में पानी की किल्लत। गांव से 1 किलोमीटर दूर कुएं से पानी भरकर लाने को मजबूर लोग। कुएं का पानी दूषित होने से बीमारी का खतरा बढ़ा। और अब वक्त है क्राइम की खबरों का अपडेट सिर्फ 9 सेकंड में जानने का। राजकोट में गेम जोन में हुए हादसे को लेकर क्राइम ब्रांच की कार्रवाई। पालिका के टीपीओ और फायर ऑफिसर को हिरासत में लिया। इसके बाद अग्निशमन अधिकारी को क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के कबीर नगर इलाके में वारदात। बदमाशों ने गोली मारकर युवक की हत्या की। 2 स्कूटी सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। कातिलों की तलाश में जुटी है पुलिस। बिजनौर में गोली मारकर व्यापारी की हत्या की गई। सीसीटीवी के जरिए बदमाशों का सुराग तलाश रही पुलिस। मृतकों के परिवार में मातम का माहौल है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।